महाराष्ट्र में चुनावी डंका बजते ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लग चुकी है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी पार्टी भी है जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान सबको चौंकाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। हम बात कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की, जो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके चलते मुंबई की साइन कोलीवाड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी जमकर तैयारी कर रही है। इस सीट पर पार्टी ने आमिर इदरीसी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते आमिर इदरीसी अपनी चुनावी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और विधानसभा में एक के बाद एक ऑफिस ओपनिंग कर विरोधियों के खेमे में खलबली मचा रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, खलबली मचाना जो है मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि यहाँ पर बदलाव आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। यहाँ के जो हालात हैं वो हालात इस बात का चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं कि हमको बदलिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कोशिश शुरू करनी थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो कोशिश मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, नहीं, मैं मुस्लिम हिंदू के नाम पर तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और गणित में लोग परेशान रहते हैं, लोग गणित में परेशान करें रहें। मैं जो है लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से घर घर जा रहा हूँ, हर जात के लोगों से, हर जमात के लोगों से, हर धर्म के लोगों से पर्सनली मिल रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि ठीक है, मुसलमानों के दरमियान जाना मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि यहाँ पर आज आपने ओपनिंग में भी देखा होगा कि दलित समाज के लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे, हिंदू समाज के लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे, यहाँ साउथ इंडियन बड़ी तादाद में आए, हमारे साथी हैं कुछ सरदार हजरात हैं सिख कम्युनिटी के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साउथ इंडियन में आप देखेंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उसके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मराठी बड़ी तादाद में हमारे साथ आ रहे हैं। तो इक्वल रिस्पॉन्स मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल रहा है और मुझे वो यूँ लग रहा है कि लोग जो है ना अच्छा कैंडिडेट पसंद करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनका जो सोच है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ और वही जो है एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है लोगों के दरमियान। सवाल है, आपका मुकाबला कांग्रेस बीजेपी जैसे बड़ी पार्टियों से कैसे निपटेगा? बड़े होंगे वो पैसे में, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े हज़ारों करोड़ के लोग मालिक हैं, पैसा देकर लोगों को खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की आवाम जो है वो गरीब ज़रूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है। तो लोग इनकी गरीबी का मजाक जो है 1,000, 2,000, 5,000 रुपया देकर अगर उड़ाने की कोशिश करेंगे तो लोग जो है इनका मजाक उड़ाएंगे और ये 24 तारीख को मालूम पड़ेगा। रही बात मेरा, मैं जो है मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ, लोगों के दरमियान उनके मुद्दे लेकर पहुँच रहा हूँ, लोगों के दरमियान उनके मुद्दों का सोल्यूशन भी लेकर पहुँच रहा हूँ, जो आज तक यहाँ पर किसी ने बात नहीं की। मुझे लगता है मुद्दों में और पैसों की जंग में मुद्दे जीतेंगे। नहीं, हर घर को मतलब है, हर घर को एजुकेशन से मतलब है, हर शख्स को रोज़गार से मतलब है, हर पूरी आवाम को जो है हेल्थ केयर से मतलब है। ये तमाम इश्यूज़ जो है एक्चुअल लोगों के एक्चुअल इश्यूज़ है। आप पानी की बात करें, गटर की बात करें, रास्तों की बात करें, ये हमारे एक्चुअल मसाइल है। जिन हालात में हम लोग रह रहे हैं वो हमारे असली मसाइल हैं और लोग उसमें बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पूरे एनटॉप हिल की, वडाला की और साइन कोलीवाड़ा की तस्वीर बदले। हमने सिर्फ उसको जो है ना उस सोच को एक दिशा देने की कोशिश की है। ये हर घर की, ये हर आदमी के दिल की बात है और लोग मुझे लगता है कि इसी आधार पे वोट करेंगे। माशाल्लाह, यहाँ वंचित आघाड़ी एक नंबर पे चल रही है। हम लोग पूरे इलाके में घूम घूम के देख रहे हैं और सबके जबान पे आमिर इदरीसी ही नाम आ रहा है। यहाँ जात धर्म नहीं देखा जा रहा, उम्मीदवार देखा जा रहा है। माशाल्लाह सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब, दलित भाई, यहाँ तक सिख भाई भी जो है आमिर इदरीसी साहब को पसंद करते हैं और सब लोग साथ में रहेंगे। इंशाल्लाह 21 तारीख को भरपूर वोट आमिर इदरीसी साहब और निशानी हमारी गैस बाटला है उसको जाएगा। 24 तारीख को इंशाल्लाह वंचित आघाड़ी का विजय जुलूस निकलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस टाइम वंचित आघाड़ी को मुसलमान दलित सब जानते हैं और आमिर इदरीसी उम्मीदवार हैं। आमिर इदरीसी उम्मीदवार हैं तो मुसलमान है, इसके वजह से नहीं। आमिर इदरीसी उस लायक है। आमिर इदरीसी जो है पूरे साइन कोलीवाड़ा में बहुत मेहनत किए और हिंदू मुसलमान दलित भाई सबके जबान पे आमिर इदरीसी हैं। इंशाल्लाह 24 तारीख को वंचित आघाड़ी का आमिर इदरीसी का विजय जुलूस निकलेगा। आप लोग 24 तारीख का इंतज़ार करिए और बहुत ज़ोरों में
वंचित अघाड़ी चल रही है। यहाँ पे अगर किसी से लड़ाई है तो भाजपा शिवसेना से है, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। इंशाल्लाह 24 तारीख को विजय जुलूस वंचित अघाड़ी का निकलेगा, आमिर रिदीसी का निकलेगा। अभी साइन कुलेवाड़ा में हम लोगों ने पिछले 6 महीने से तैयारी शुरू की है, आमिर भाई और हम लोग इस साइन कुलेवाड़ा के हर घर तक पहुँचे, हर घर के हर आदमी इंसान तक पहुँचे हैं। और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे माता बहनों का, हमारे भाइयों का, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हम लोग वंचित अघाड़ी साइन कुलेवाड़ा जीत कर ही रहेगी। दलित मुस्लिम के गणित के आधार पर आप जीतने की बात करें, कैसे होगा? नहीं, हम लोग एक्चुअली दलित और मुस्लिम इनका ही गणित बनाकर नहीं कोशिश कर रहे, जो दूसरे भी जाति जमाती जो लोग हैं हम उनको भी साथ ले रहे, जो यहाँ पे साउथ इंडियन जो है अच्छी तादाद में है, हमारे सरदार भाइयों की तादाद अच्छी है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हो रही है। तो इसका मतलब हम लोग दलित और मुस्लिम हम सभी जाति धर्म के लोगों के इसके ऊपर गणित करके प्रचार कर रहे हैं। का मुकाबला बड़ी पार्टियों से, कांग्रेस बीजेपी जैसे, वंचित बहुजन अघाड़ी पिछले लोकसभा इलेक्शन में उभर कर आई है, इस पर क्या? नहीं, मैं तो एक्चुअली ये कहूँगा ये मुकाबला खाली कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो गिनती में नहीं है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ भाजपा और वंचित बहुजन अघाड़ी के दोनों में ही होगा, और जिसमें जीत वंचित अघाड़ी की होगी।